A very warm good evening, welcome, and namaskar to everyone present here. Krishna proposes that right action is another form of worship, and that only by doing necessary and right action can the self find freedom. Right action from great men also see a standard for ordinary people to follow.

मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने ये निश्चित किया है कि हम एक घंटे के अंदर सारा प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश करेंगे इसलिए ज़्यादा समय तो राय साहब को ही मिल, मिलना चाहिए और स्ट्रेट अवे हम सविता कुमार जी से चूंकि जो कि हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है वो आज एक भजन देंगी उसके बाद राय साहब का व्याख्यान शुरू होगा सविता रुद्रा जी सव, सविता कुमार जी सबको बस जी जी संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे संसार से भागे फिरते हो ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या रीतों पर धर्म की मोहरे है ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या रीतों पर धर्म की मोहरे है रीतो पर धर्म की मोहरे है हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे संसार से भागे फिरते हो ये भोग भी एक तपस्या है तुम त्याग के मारे क्या जानो ये भोग भी एक तपस्या है तुम त्याग के मारे क्या जानो तुम त्याग के मारे क्या जानो अपमान रचिता का होगा रचना को अगर करओे संसार से भागे फिरते हो हम कहते हैं ये जग अपना है तुम कहते हो झूठा सपना है हम कहते हैं ये जग अपना है तुम कहते हो झूठा सपना है तुम कहते हो झूठा सपना है हम जन्म बिता कर जाएंगे तुम जन्म गवा कर जाओगे संसार से भागे फिरते हो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत खूब बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सविता जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना बेहतरीन चित्रण किया है बहुत सी, बढ़िया सीधे सी, राय साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना व्याख्या शुरू करें इतनी मधुर आवाज के बाद मेरी कर्कश आवाज ऐसा हाँ, इतनी मीठी मधुर कोमल आवाज के बाद थैंक यू वर्ष काुजगशयन पद्मनाभम सुश विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयनमिध्यान गम्य वन्दे विष्णु भवभयरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुता अस्तु न वेदै दिव्यैस्तवै वेदैषाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्त्यं योगिनाम् ध्यानावस्थितद्गते न मनसा पश्यन्तं न योगिनो यस्यां तं न विदोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः प्रविशिनगर की जयसभकाजा हृदय राखि कौशलपुरराजा गरल सुधार पुकरे मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा श्री राम जय जय श्री राम तो आज हम लोग के सेकंड चैप्टर का दूसरा भाग है पहला भाग पहले हो चुका है जो सांख्य योग था आज कर्म योग है स्टार्ट करने से पहले क्योंकि पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, इसलिए उसके बारे में दो शब्द कहना बहुत जरूरी है जरूरी यह है कि हमारे परम मित्र मोस्ट इंटेलिजेंट जिनसे हमारी रोज बात होती थी और दूसरे ग्रुप में बहुत ज्यादा बात होती थी विनय जी इस ग्रुप को छोड़ गए तो आज मैं वृंदावन धाम गया था और मेरे मित्र हैं जिनकी फैक्ट्री है वो चार दर्जा केवल पड़े हैं लेकिन उनको मैं अपने से ज्यादा एडवांस मानता हूं आध्यात्मिक तो मैंने उनसे जिक्र किया कि बहुत दुख हो रहा है बोले क्यों आपको दुखी क्यों है क्यों मेरा दोस्त था ऐसा हो गया तो उन्होंने दो चीजें बताई मेरे को उन्होंने दो चीजें जो बताई वो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि देखिए इसमें आपको दुख नहीं होना चाहिए क्यों तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है कि जाके प्रिय न राम ही, ताही ही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी बलिगुर तजो कंत बनिताजन भय सब मंगलकारी ये जितने उदाहरण है इस प्रकृति में हुँ, वो क्या है कि जिनको आध्यात्म में रुचि नहीं है केवल उनसे दूरी बना लो और नाता मत तोड़ो कैसे दूरी बना लो तो तुलसीदास ने कहा तजो पिता प्रहलाद प्रहलाद ने अपने पिता को कोई अपशब्द नहीं कहा केवल दूरी बना ली क्योंकि हम भगवान को मानते हैं आप नहीं मानते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद विभीषण ने कहा कि ठीक है आप हमारे बड़े भाई हैं पिता के समान हैं लेकिन हमारी आपकी भावना अध्यात्म में अलग है इसलिए मैं चला तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी भरत ने अपनी माता को त्याग दिया बलिगुर तजो आपको पता है बावन महाराज जब यज्ञ हो रहा था बलि का तो आए उनको ठगने के लिए छोटे बालक बनके तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा अरे ये ठगने आया है तुम्हें इसकी बात मत मानना बली बली ने कहा देखो अगर ये भगवान है तुम कहते हो और ये कुछ मांगता है मैं देता हूं तो मुझे आत्मिक शांति होगी और ये मुझे ठग भी देता है तब भी मुझे आत्मिक शांति होगी तो मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगा मैं इस भगवान को जो कहता वो मानूंगा बलगुर तजो कंत जितनी गोबियां थी वो सब कौन थी देवता लोग अवतार लेके आए थे भगवान की बांसुरी बनती थी बन में और जो जिस हालत में थी चल देती थी कोई काजल आधा लगाई है कोई ब्लाउज पहनी है कुछ नहीं पहनी है जैसे थी वैसे चलती है बांसुरी में जो अट्रैक्शन था वो ये था कि उन्होंने संसार छोड़ दिया भगवान के लिए तो इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए हमारे मित्र ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ दूसरी चीज उन्होंने कहा हमने कहा देखो उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छा लगी कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है उसने कहा कि ये सब किम हैं राम की कि राम राम जो है बंदरों से बात कर रहे हैं इसके बारे में आपको क्या कहना है तो ये तो बड़ा साइंटिफिक लग रहा है उनका कहना तो उसने कहा देखिए आप तो जानते हो आप झूठे मेरे से पूछ रहे हो हमने कहा क्या सतयुग में धर्म हंड्रेड परसेंट था इसलिए सतयुग में कोई बैरियर नहीं था कोई बाधा नहीं था कोई किसी को भी बात कर सकता है किसी की बात समझ सकता था कुछ भी कर सकता था न थे न पुराण थे न न थे कोई नियम था न कोई कानून था क्योंकि धर्म का राज्य था उस धर्म के राज्य में कोई बाधा नहीं थी इसलिए ये कर उसी सतयुग के एंड में त्रेता में भगवान राम आए हैं और उन्होंने जो सेतु बनाया है उनसे बता दीजिए तो अमेरिका में रहते हैं और एम से पढ़े हैं नासा ने कहा कि ये सेतु बना है आदमियों ने बना उसकी उम्र भी बता दी कि इतने साल पहले बनाई और यह बनाया गया है तो जब एक इतने बड़े साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यह किम नहीं है सेतु बनाया गया है तो उनके कहने से क्या बनता है आप उनको इग्नोर कर दीजिए तो मैंने कहा यह भी ठीक हो गया सतयुग में यह बात होगी उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं मैंने उनसे कुछ नहीं कहा मैंने माइंडफुलनेस ग्रुप छोड़ दिया और यहाँ पर जो गीता की 67 सेवन श्लोक है अठारह चैप्टर को उसको रिप्रोड्यूस कर दिया जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं 66 सिक्स श्लोक के बाद गीता खत्म हो जाती है सर्वधर्मान परिज्य गीता खत्म उसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं देखो ये गीता शास्त्र बहुत ही गुह शास्त्र है ये मैंने तुमको सुनाया किसी और को नहीं सुनाया है तो इसकी कुछ मर्यादा है मर्यादा ये है कि ये उसी को सुनाया जाता है जो इसके लिए तड़प रखता है तुम्हारे अंदर तड़प थी इसलिए मैंने तुमको सुनाया जिसके अंदर इसके लिए तड़प नहीं हो इस ज्ञान के लिए श्रद्धा नहीं हो उसको सुनाना और जो हमें ये कहे कि वो तो मनुष्य था भगवान नहीं था ऐसा कहे उसको सुनाना ये सिन् है पाप है द वर्ड पाप इज यूज तो मैंने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया वहां और उसके बाद मैं चुप लगा गया मैंने कुछ नहीं कहा वो चले गए तो ये यह यहां पर ये यह बातें क्लैरिफाई करना पब्लिक में इसलिए जरूरी थी कि पब्लिक डोमेन में ही ये सब चीजें आई हैं जो कुछ उसने कहा माइंडफुलनेस में वो हमने इस डोमेन में डाल दिया है कि ये ये कहे हैं और इस बात पर मैंने ये कहा है मैंने और कुछ कहा नहीं है हम वहां से छोड़ दिए वो यहां से छोड़ दिए और वो इंटेलिजेंट आदमी है लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि आदमी के अंदर दो चीजें हैं एक दिमाग है जो रेशनल है अगर रेशनलिटी उसको पसंद नहीं आएगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो हमेशा हर चीज क्वेश्चन करता है और जब क्वेश्चन करके उसको सही उत्तर मिल जाता है तभी उसको मानता है नहीं तो नहीं मानता है दूसरी तरफ एक दिल है दिल में क्वेश्चन जीरो है उसमें पकड़ने की आदत है जैसे एक बच्चा है वो मां को पकड़ता है वो नहीं कहता कि तुम बताओ मेरी मां हो कि नहीं हम्म कभी कहता है तो दिल के अंदर क्या होती है प्रेम होता है और दिमाग के अंदर क्या होता है ज्ञान होता है गीता ने दोनों को मिला दिया है गीता ने कहा दोनों जरूरी हैं प्रेम भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है इसलिए अर्जुन को पूरी लिबर्टी दी क्वेश्चन करने की कि जितना पूछ सकते हो सब पूछो चूको मत पूछने में वो दिमाग है लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन का ही दिल था जो करुणा से भर गया जो रो रहा है और तो कोई रो नहीं रहा है ग्यारह करोड़ में तो अर्जुन सुपात्र है जिसको गीता सुनाई जा सकती है इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई अब आप कहेंगे कि गीता क्या अठारह अध्याय जो है युद्ध को रोक करके सुनाया गया नहीं ऐसा नहीं हुआ है ये पूरी गीता दो मिनट में हुई है आप कहेंगे कैसे हुई है आप इमेजिन करो कि आप सो गए और सो करके सपने देख रहे हो दो मिनट में आप कितने सपने देखते हो कि आपकी कई पीढ़ियां बन गई साम्राज्य हो गया कहां कहां चला गया कितने बेटे बेटियां कितने पोते पोतियां कितना हो गया सब कुछ हो गया कहां, कहां चला गया साम्राज्य क्या क्या हो गया आपने क्या क्या नहीं जीत लिया और दो मिनट बाद कोई जगा देता है पता चला सब झूठा था तो ये भगवान के दिल के दिल दिल से अर्जुन में गई है बात ये बाड़ी से नहीं गई है अर्जुन के दिल में क्वेश्चन उठे हैं भगवान के दिल से उत्तर गया है और दो मिनट में गीता हो गई है और कुछ नहीं हुआ तो गीता शास्त्र को समझने के लिए इसके पहले आपको उपनिषद को समझना होगा वेद को समझना होगा पुराण को समझना होगा तब गीता आएगी समझ में और गीता के बाद क्या लिखा गया भागवत महापुराण लिखा गया उसको भी समझना होगा तो इन सब चीजों को क्लरिफाई करने के बाद मेरा आखिरी आखिरी जो दूसरी चीज है कुछ प्रश्न आए हैं इसमें लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं जैसे एक प्रश्न खुंगर जी ने पूछा है खुंगर जी ने पूछा है कि जब अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन बिलाप कर रहा है गीता सुनने के बाद भी द्रोणाचार्य इतना बड़ा ज्ञानी है और उसका पुत्र मर गया तो बिलाप कर रहा है महाराज दशरथ कितने ज्ञानी है राम के लिए रो रहे हैं तीनों का उत्तर अलग अलग है और तीनों के चीजें अलग हैं पहले हम राम से चलेंगे क्योंकि राम त्रेता युग में है राम त्रेता युग में है जहां केवल 25 परसेंट धर्म गया है 75 परसेंट है तो आपको बता दें कि दशरथ कौन है दशरथ ने इतनी बड़ी तपस्या की है और कौशल्या ने मनु शत्रुपा ने तब राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए विश्वामित्र जब आते हैं राम को लेने के लिए और सरजू में नहा करके अपने मन में एक संवाद करते हैं कि अगर राम को आना ही था तो ऋषि मुनि के घर पैदा होते क्षत्रिय के घर क्यों पैदा हुए ब्राह्मण हु? के घर पैदा होते तो विश्वामित्र जब जाते हैं राजा दशरथ के दरबार में और राम को मांगते हैं कि राम दे दो तो दशरथ जी को मूर्छा आ जाती है मूर्छित होकर वो गिर पड़ते हैं गुरु गुरु वशिष्ठ वशिष्ठ को बुलाया जाता है और विश्वामित्र में पड़ती नहीं है लेकिन गुरु वशिष्ठ उनके कान में बोलते हैं कि ये पंडित आया है तुम्हें लक्ष्मी लाने के लिए दे दो राम को राम जाएंगे तभी तो सीता आएगी तब मान जाते हैं दशरथ जी अब दशरथ जी क्यों अपना शरीर छोड़े हैं राम के जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामायण में 119 पन्नों में सबकी वंदना की और सबकी विशेषता बताई है जब वो दशरथ के पास आते हैं बंदौ भरत भुआल सत्य प्रेम जही राम पद विचरत दीन दयाल निजतन त्रिन इव परिहरे तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ कौन है राम के चरणों में इतनी रति है इतनी अभिव्यक्ति है कि बिछरत दीनदयाल दीनदयाल के बिछड़ते ही अपने शरीर को तिनके की तरह छोड़ दिया कि शरीर की जरूरत नहीं है जिस शरीर से राम का दर्शन नहीं हो सकता उस शरीर की आवश्यकता नहीं है तो दशरथ ने इसलिए शरीर छोड़ा कि वो आए थे भगवान ने उनको कहा था कि मैं पुत्र रूप में आऊंगा और उनका उद्देश्य पूरा हो गया राम आए उनके पुत्र रूप में और जितने दिन तक राम रहे बनवास से पहले रोज उनका दर्शन हुआ सब कुछ हुआ इसलिए दशरथ जी इसलिए चले गए ज्ञानी थे रो, रोते सभी हैं अब आ जाते हैं आप क्या कहते हैं अर्जुन क्यों रोया अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद भी भगवान कृष्ण ये देख रहे हैं क्या देख रहे हैं इतनी जल्दी मोह जाता नहीं है मो इतनी कठिन चीज है कि बड़ी मुश्किल से जाता है तो अर्जुन जो है अभी भी युद्ध पूरे दिल से नहीं कर रहा है भगवान को पता लग गया। इसलिए भगवान ने स्ट्रेटी बनाई क्या कि अर्जुन को पूरे दिल से युद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए तो आदमी की सबसे प्रिय वस्तु उसका पुत्र होता है पुत्र को मरने से अपने मरने को समझता है इसलिए भगवान ने स्ट्रेटी बनाई अर्जुन को ले गए दूर हाँ, और इधर अमन्यु को आठ महारथियों ने मार दिया आठ महारथियों के मारने से पहले महाभारत युद्ध में सारे नियम कानून से युद्ध चल रहा था जो विश्व पितामह ने बनाए थे जब युद्ध बंद हो जाता तो सब एक दूसरे से मिलते थे खाते पीते थे भाई बंधु की तरह सारे नियम बनाए थे उस दिन सारे नियम टूट गए क्यों छात्र धर्म का नियम है निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाना स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाना अब मनु निहत्था है आठ महारथियों ने मारा है ये भगवान ने मरवाया है क्यों भगवान लीला कर रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों के विनाश के लिए दुष्टों के विनाश के लिए सिंहार हो रहा है ये अहिंसा ही हिंसा है धर्म के लिए हो रही है इसलिए समझने की बात गुड़ बात है कि अर्जुन को द्वेष पैदा करने के लिए ये सब मिलके मेरे पुत्र को मारे हैं इसलिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है ज्वाला धड़क दी भगवान ने धड़का दिया और जयद्रथ को मरवा दिया तो ये कारण है वहां अब आ जाइए गुरु द्रोणाचार्य ये महाभारत युद्ध ऐसा है जिसमें धर्म की स्थापना के लिए द्रोण और विष्ण पितामा का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि आप लोग कहते हैं कि द्रौपदी का चीर हड़ा हुआ तो अगर एक केवल नजर उठा देते भीष्म तो दुर्योधन की हिम्मत थी क्योंकि भीष्म चाहते थे पाप हो पाप का घड़ा भरे जब तक पाप नहीं होगा तब तक आप कैसे संहार करेंगे करवाया गया द्रौपदी का चीर हरण और युद्ध के पहले ही उन्होंने दोनों ने अपने अपने नियम बता दिए पितामा और द्रोणाचार्य ने क्या बिस्पिता ने कहा मैं पांच पांडवों को नहीं मारूंगा और सबको मारूंगा द्रोणाचार्य ने कहा कि जिस दिन मेरा पुत्र मर जाएगा मैं खुद मर जाऊंगा राइट right? ये चीज पब्लिक डोमेन में थी महाभारत युद्ध ये क्यों इन लोगों ने कहा कि कृष्ण अपनी स्ट्रेटजी को एकेडमिकली बनाए अकॉर्डिंग बना करके और चले तो कृष्ण ने स्ट्रेटजी बनाई कि तो दस दिन दस दिन तक थे अपना महारथी सेनापति पांच दिन तक द्रोणाचार्य थे दो दिन कर था, एक दिन शल्य विष्पितामा को मारने की किसी के अंदर ताकत नहीं थी तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ पिता पितामह से पूछ के आओ मरेंगे कैसे अर्जुन जाके पूछता आप, आप मरोगे बोला हाँ मरने के लिए तो युद्ध कर रहे हैं कैसे मरोगे बोला तू जानता है मैं छत्री हूं। बालक और स्त्री पर मैं शत्र नहीं चलाता हूँ शिखंडी को सामने करके शत्र मार देना मैं मर, मेरे को बाढ़ों से भेद देना चूकना मत बस उन्होंने अपनी मृत्यु का स्टेटी बताया अर्जुन को न? लेकिन अर्जुन द्रोण चार द्रोण को मारने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि गुरु के लिए इतनी श्रद्धा थी कि गीता सुनने के बाद भी वो श्रद्धा रही और मोह गया नहीं द्रोण को ध्रषुम ने मारा है तो भगवान ने स्ट्रेटी बनाई कि अश्वत्थामा हाथी को मरवा दिया और भीम को बोला चिल्लाओ अश्वत्थामा मर गया तो गुरु से कहा गया आपका बेटा मर गया तो कौन कह रहा है भीम कह रहा है बोला भीम को नहीं मानेंगे युधिष्ठिर से बुलवाओ भगवान ने युधिष्ठिर से कहा बोलो बोले युधिष्ठिर मना कर दिया मैं नहीं बोलूंगा मैं असत्य नहीं बोल सकता तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करना तुम असत्य मत बोलना लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बोलना अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो अश्वत्थामा मरा है हाथी या मनुष्य पता नहीं राइट तो बोला ठीक है अश्वत्थामा मरो जैसे ही कह दिया शंख बजवा दिया कृष्ण ने दूसरी चीज गुरु ने सुनी ही नहीं और समाधि लगा ली और दुष्ट उनको खत्म कर दिया तो इस तरह इनका अंत हुआ ये लोग अपने को मरवाए हैं ये लोग अज्ञानी नहीं थे ये मोह में नहीं थे न बिस्पितामा मोह में थे न दशरथ मोह में थे और न द्रोणाचार्य मोह में थे इन्होंने जो इनका शरीर गया है इसके पीछे मैंने आपको कहानियां बता दी अब दूसरा प्रश्न आता है एक जने का और प्रश्न है कि क्या सारे जितने कर्म होते हैं सबका रिकॉर्ड होता है जिसको हम संचित कर्म कहते हैं नहीं, नहीं होता है, समझो क्यों और रिकॉर्ड कहां होता है कर्म जितने होते हैं सब वाइब्रेशन से होते हैं अगर वाइब्रेशन जीरो है तो कर्म जीरो है शब्द से ही ये ब्रह्मांड बना शब्द ब्रह्म तो जब वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन पुण्य का हो या पाप जो भी हो वो वाइब्रेशन जो है प्रकृति में जाता है और प्रकृति में उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो जहां वाइब्रेशन नहीं होता वहां रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा क्योंकि प्रकृति को तो वाइब्रेशन चाहिए तो कहां वाइब्रेशन होता है प्लस और माइनस का होता है कौन से प्लस और माइनस जहां पाप हो और या पुण्य हो इन दोनों का रिकॉर्ड होता है जहां न पाप है न पुण्य है जिसको हम समता कहते हैं समता कहते हैं जहां वाइब्रेशन शून्य है आप एक फूठ आदमी की तरह हो गए आपके ऊपर किसी चीज का असर नहीं है वाइब्रेशन शून्य है वो रिकॉर्ड नहीं होता राइट तो ये थ्योरी है कर्म थ्योरी कि कैसे रिकॉर्ड होता है कैसे अब जो रिकॉर्ड हो गया उसके दो पार्ट बन जाते हैं एक बनता है चित्त जहां पर सारी चीजें मिस्टर खुंगर ने दो आर्टिकल दिए हैं बड़े अच्छे लिए बहुत बढ़िया लिखा है कि हमारी कॉन्शियस सब कॉन्सियस अनकॉन्सियस लेर्स उन सब लेयर में ये जाते हैं वाइब्रेशन और एक कांसिय में मन रहता है और ये सब नीचे चले जाते हैं तो जिस चीज को हम ड्रा कर लेते हैं और बुद्धि के सामने प्रेजेंट कर देते हैं उसको हम कहते हैं यादगार स्मृति और जिसको नहीं ड्रा कर पाते हैं वो चित्त में पड़ा रहता है तो चित्त में हजारों चीजें पड़ी हैं उसमें से कुछ चीजों को हम ड्रा करके और बुद्धि के सामने पेश करते हैं बुद्धि उसको मन के प्रपोजल को और अपने दिमाग को लगाती है फिर डिसीजन लेती है डिसीजन मेकिंग फैकल्टी बुद्धि है तो इस तरह से ये कर्म कर्मा थ्यूरी बड़ी साइंटिफिक है ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें ऐसे ही बन गई अब दूसरी चीज एक उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे कर्म बुरे कर्म को न्यूट्रलाइज करते ये गलत है ध्यान से सुनिए क्यों क्योंकि जो वाइब्रेशन हो गया वो मिट नहीं सकता वो रहेगा लेकिन ये जो जिसको हम सो काल संचित कर्म कहते हैं उसको हटाने का दूसरा तरीका है वो प्लस माइनस से कभी नहीं होता है प्लस प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा क्योंकि वो वाइब्रेशन है एक वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी अलग है एम्पलीट्यूड अलग है दूसरे की अलग है और न्यूट्रलाइज कैसे होंगे हो ही नहीं सकते तो न्यूट्रलाइज होने का सवाल क्या है जब आप ध्यान में जाते हो समाधि में जाते हो तो आप चौबीस के पार चले जाते हो वो मैं आपको समझाऊंगा वो क्या है तो जब पार चले जाते हो अपने आप सब छूट जाते हैं पीछे अब ये मैंने आपको एक और चीज डाल दी इसको ध्यान से समझिए बुद्धि को मन को और चित्त को एकाग्र करके ये चौबीस क्या है चौबीस के बारे में बहुत बढ़िया रवि जी ने आठ के लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर सारा उन्होंने लिखा है उपनिषद से लेकर के ये चौबीस क्या है हमारी जो शरीर है चौबीस चीजों से बनी है सबसे नीचे जो चीज है वो छितिजल, जल पावक गगन समीर पांच तत्व है स्थूल शरीर ये जो स्थूल शरीर है ये तमस अहंकार से बने मतत्व से तीन अहंकार निकले सत्व रज और तम जो तमस अहंकार निकला उससे ये स्थूल शरीर बने ये तामसिक है शरीर पंच तत्व तन्मात्राएं निकली और उन तन मात्राएं से रस, गंध रूप स्वरूप ये सब निकले इनसे ये बन गए शब्द से आकाश बन गया स्पर्श से वायु बन गई स्वरूप से अग्नि बन गई स्वाद से जल बन गया गंध से पृथ्वी बन गई तो ये जो सबसे नीचे की स्थूल शरीर है तमस अहंकार से बनी है इसके ऊपर जो शरीर है इंद्रियों वाली शरीर है इंद्रिया इस शरीर को डायरेक्ट करती है कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया तो कर्म इंद्रिया जो बनी है और ज्ञान इंद्रिया जो बनी है उनके अंदर गति है गति बनता है किससे रजस अहंकार से जिसमें गति होती है हुँ? और सत्व अहंकार जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में रहता है उसे अंतकरण बना है मंचित बुद्धि अहंकार बहुत ही सूक्ष्म तो इस तरह से कैसे कैसे हो गए चौबीस पांच स्थूल चीजें छित जल पावक गगन समीर पांच उनकी तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध दस हो गए पांच कर्म इंद्रिया पंद्रह हो गए पांच ज्ञान इंद्रिया बीस हो गए मंचित बुद्धि अहंकार चौबीस हो गए इनके आगे क्या है इनके आगे है आत्म तत्व हमने आपको सांख्य योग में बताया था कि ब्रह्म ने प्रकृति और जीव बनाई जिसके संजोग से सारी सृष्टि बनी वो माया और जीव कैसे बनाया इसको ऐसे समझिए कि एक पानी में आप सूरज को देखते हैं पानी माया है और प्रतिबिंब सूरज का जीव है वो असली ब्रह्म नहीं है जो आप देख रहे हो जिस दिन माया हट जाएगी प्रतिबिंब अपने आप गायब हो जाएगा आप पानी को गायब कर दिए तो प्रतिबिंब कहां गया वो था ही नहीं वो तो माया में दिखाई दे रहा था तो ये जो जगत मिथ्या शंकराचार्य ने कहा है वो यही कंसेप्ट है कि माया में दिख रहा है नहीं जिस दिन भगवान माया खींच लेगा उस दिन आपको असली ब्रह्म दिख जाएगा जिसकी परछाई आप देख रहे हो राइट तो शुरू में वो जीव बना परछाई के रूप में ब्रह्म और प्रकृति के रूप में बना ये दोनों कैसे बने संस्कार के रूप में सत्वरज ये सत्वर के बने ये आप ये प्रकृति जो है अव्यक्त प्रकृति थी दिखती नहीं थी छिपी हुई प्रकृति इस प्रकृति में काल प्रवेश किया उसने गति की और उस दिन से समय की गणना हुई जो दीक्षित जी बताते हैं आपको बिग बैंग वाली थ्योरी उस दिन से समय आ गया काल आ गया काल ने इनको निकाल दिया उसमें से ये निकल करके अपने समन्वय में रहे तीनों एक दूसरे के दुश्मन है सोचो तीनों एक दूसरे के दुश्मन है क्यों तामसिक वाला सुलाना चाहता है रास्तिक वाला दौड़ाना चाहता है जब उल्टा है कि नहीं है सत्य कहता है कुछ मत करो ये ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप लोग जानते हैं उन्हीं के एनालॉग हैं न्यूट्रॉन इज सत्व इलेक्ट्रॉन इज राजसिक एंड प्रोटॉन इज तामसिक तो ये तीनों समन्वय में थे और समन्वय में महत्व में इकट्ठा हो गए महतत्व से फिर ये निकले और ये क्या बन गए अहंकार सात्विक अहंकार से अंतकरण बना राजसिक से इंद्रियां बढ़ी और तामसिक से शरीर तो रवि जी ने जो आर्टिकल लिखा है बहुत बढ़िया कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर कहां थी शरीर का कारण कहां था वो संस्कार थे रजता सतरजतम जो अव्यक्त प्रकृति में छिपे हुए थे राइट और जब उसमें प्रवेश किया काल तो वो प्रकट हुए वो कारण थे वो कारण भी नहीं थे महाकारण महाकारण थे वो महा भी नहीं थे कैलब्य थे हम पांच शरीरों से गिरे हंस शरीर जब आत्मा और परमात्मा एक थे लेकिन अलग हुए हंस शरीर है वो। कोई भेद नहीं आत्मा परमात्मा जब परमात्मा ने आत्मा को संसार की तरफ माया की तरफ मोड़ दिया तो कैलव्य शरीर मिल गया वही संस्कार मिल गए जो कर्म किए हो जन्म जन्मों का वो इकट्ठा है अव्यक्त प्रकृति में और उस अव्यक्त अव्य शरीर से कारण शरीर मिला कौन सा जब काल आया और इनको अलग किया बाहर किया उससे स्तंभ को वो महाकारण बना महाकारण से ये बैलेंस होकर के महत्व में इकट्ठा हुए तो महत्व कारण शरीर है और महत्व ने इनको निकाला अहंकार के रूप में अहंकार तो से सूक्ष्म शरीर बनी सत्व अहंकार से राइट right? और ज्ञान इंद्रिया बनी सूक्ष्म शरीर रजस अहंकार से कर्म इंद्रिया बनी और तामस अहंकार से ये पंचभूति शरीर बना तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आप छठवें लेवल पर आ गए काम पूरा हो गया यही चीज सत्यन बोस ने कहा था जिसको रॉयल सोसाइटी नहीं मानी थी उसने आइंस्टीन को लिख के भेजा था क्योंकि वो पीएचडी नहीं था। आइंस्टीन नाचने लगा इस बात को सुनके। और उसी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, सत्ताईस में गति बढ़ाई जा रही है और गति बढ़ने से एक गति के बाद जो है मास इकट्ठा हो जाता है लाइट इज कन्वर्टेड इंटू मास जब गति बढ़ती है भगवान बुद्ध ने देखा कि संसार गतिमान है ट्वेंट पावर ट्वेल्व पर सेकेंड और सारे संसार की चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कोई अलग नहीं है जैसे बलून के अंदर है और सारे गतिमान एक साथ है चल रहे हैं एक से आग एक जुड़े हुए उसको धर्मशास्त्र में उसको वर्ड है रति रति माने एक हार्मनी में है दे आर इन हार्मोनी अदर इसको ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल वाइब्रेट कर रहे हैं बट दे आर मेकिंग वही ब्रह्मांड है ब्रह्मांड की हर एक एंटिटी अपना कर्तव्य कर रही है उस कर्तव्य को अपने को भी ठीक रख रही है और ब्रह्मांड के चलने में योगदान दे रही है सृष्टि चक्र चल रहा है और इस सृष्टि चक्र के चलने का नाम आध्यात्मिक नाम रति है हारमोनी है हारमोनियस है इस हार्मनी को जो बिगाड़ता है वो पाप करता है जो इसमें योगदान देता है पूरी करता है वो आगे बढ़ता है तो सांख्य योग में मैंने आपको क्या कहा कि ये जो चौबीस तत्व है ना इसके पार चला जाता है आदमी जब इसके पार चला जाता है तो ये चौबीस तो पीछे छूट गए तो उसके लिए कुछ कर्म करने को रहा ही नहीं कर्म क्यों करता है क्योंकि संसार में वो अपने को अपूर्ण मानता है अब वो कहा चला ब्रह्म में इसके पार आत्मा है आत्मा और ब्रह्म एक ही है वो तो पूर्ण है जब वो पूर्ण है तो उसमें गति किस बात की होगी तो गतिहीन हो गया और ये सारे पीछे छूट गए जितने हमारे कर्म धर्म से लेकिन ये शांख योग बड़ी मुश्किल चीज है क्योंकि शांख योग जो है तीसरे चैप्टर में सत्रहवें श्लोक में भगवान ने उसको एक श्लोक में डिफाइन कर दिया है यश्व आत्मरतिरे त्म तृप्त मानवा आत्मनी एवं संतुष्ट तस्व कार्य योगी है ये कौन है इसके लिए कर्म की जरूरत नहीं है यस्व आत्मरति रेव आत्म में ही रति है आत्मा में बैठा हुआ है आत्मा कहें या परमात्मा में यस्व आत्मरति रेव आत्मा में बैठा हुआ है। ये शाद आत्म तृप्त त्रिप्त तृप्त है पूरी किसी चीज की कोई कामना अतृप्त नहीं है आत्मनि ये वो संतुष्टम आत्मा में पूर्ण संतुष्ट है तस् कार्य लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है सांख्य योग बहुत मुश्किल है तो आप कहेंगे अर्जुन को क्यों सिखाया क्योंकि अर्जुन कहता हम भीष्म को मारूंगा हम द्रोण को मारूंगा तो भगवान ने कहा ना तो भीष्म को मार सकता ना द्रोण को क्योंकि वो तो आत्मा है वो पहले भी थे अब भी हैं कल भी रहेंगे हम्म आपने कहा हमने श्लोक नहीं पढ़ा भगवान ने कहा भी श्लोक में क्या कहा अब आपको श्लोक पढ़ के जल्दी जल्दी बताते थे और सोचा शुच्या वाहन था प्रज्ञा सुभाष थे हु? तुम बिना सोचने वालों के लिए सोचता है और पंडितों की भाषा बोलता है गता सुन गता सुन नान सोचन थी पंडिता जो मर गए जो नहीं मरे गए उनके लिए कोई भी पंडित सोचता नहीं सोच सोचते तो मूर्ख लोग हैं तो तुम मूर्खों की भाषा बोल रहा है और पंडिताई की बात कर रहा है दोनों चीजें एक साथ कैसे होती है फिर आगे भगवान कैसे उसको समझाते हैं भगवान उसको समझाते हैं हम्म कि भाई देखो ये जितने राजा देख रहे हैं जितनी आत्माएं है, तुम देख रहे हो इस समय तुम्हारे सामने मैं तुम और ये राजा हम्म ये सारे के सारे पहले भी थे न तो जातु नाशम न तो जना था न तेरा पहले नाश हुआ था न मेरा न राजाओं का न भविष्य में होगा क्योंकि आत्मा है आत्मा का नाश नहीं होता दे, अब आगे बताते हैं देह देह। इस शरीर में एक और देही है रहने वाला जिसका नाम है आत्मा शरीर शरीर और शरीर के अंदर आत्मा है तो, जो धीर पुरुष है इस शरीर के छूटने से दुखी नहीं होते हैं क्योंकि वो आत्म तत्व को जानते हैं हा? इसलिए न मृते वा वाक्यताजिन अब आत्मा की विशेषता बनता है जन्मता नहीं है मरता नहीं है भता ये भविष्यकाल नहीं होता, नहीं होता हमेशा रहता है और जो अजन्मा है नित्य 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 क्या होता है एक तो कह दिया अविनाशी है अविनाशी का मतलब कि जो पहले था वो बाद में भी है लेकिन हो सकता है बीच में बदल गया हो नित्य का मतलब जो पहले था जो बीच में है जो बाद में है सब वही है इसके लिए नित्य वर्ड आया है कि बदला ही नहीं शुरू से अंत तक शाश्वतो शाश्वत का मतलब क्या है कि भाई उसमें रोग हो सकता हो जिंदा तो है शाश्वत है मतलब जरा भी उसमें रत्ती मात्र भी बदलाव नहीं हुआ पुराण बहुत पुराना है न हनते हन्य माने शरीर न मारता है न मारा जाता है भी इसी तरह आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है अब वो आत्मा कैसे जम रहा है कहते हैं जब तुम बच्चे से प्रौढ़ बनते हो आत्मा वैसी ही रहती है बुढे बनते हो आत्मा में कोई बदली नहीं और दूसरी शरीर में जब जाती है वैसी रहती है तो आत्मा का भेद बता दिया कि नैनम चिंतन शस्त्राणी नैनम दहती पाव का आग इसको जला नहीं सकती शस्त्र इसको काट नहीं सकता पानी इसको भिगा नहीं सकता हवा इसको सोख नहीं सकती तो हो सकता और कोई कर ले तो बोले अच्छेदायम चिजो है छेदने लायक नहीं है सुखाने लायक नहीं है गीला करने लायक नहीं है तब तो क्या अव्यक्तो एम अव्यक्त है दिखता नहीं है कुछ नहीं है अचिंतो एवं चिंतन में नहीं आता है इसको इंद्रिया नहीं पकड़ सकती अब विकार इसमें विकार नहीं बदलना विकार माने बदलना इसमें कोई चेंज नहीं होता इसलिए तू क्यों शोक करता है नान सोचती मन सती। अच्छा नित्य जातम अगर सोचता है कि रोज मरता है रोज जनता है तो जो मरता हो जिएगा जो जीता है वो मरता है जात सी ध्रुवो सत्य ध्रुवो स ये बता दिया पहले अव्यक्त रहता है बीच में व्यक्त होता है बाद में अव्यक्त हो जाता है इसको देख करके भी कोई नहीं पहचान सकता सुन करके भी कोई नहीं जान सकता इसको पढ़ करके कर कोई सही से जान सकता इसलिए ये अबद्य है, अशोचनीय है तू शोक किसले कर सकता है इसलिए अपने धर्म का पालन करो धर्म को देख करके तुम्हें कंपित नहीं होना चाहिए क्यों वो छत्री बड़ी सुखी है जो धर्म युद्ध करते हैं युद्ध का मतलब स्वर्ग का दरवाजा मिल गया अर्जुन तुमको ये धर्मयुग है ह सुखना छत्रिया पार्थ लबंदे बुद्ध युद्धम इष्टजम इस के युद्ध पा करके क्षत्रिय सुखी होता है तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वास्ति हाँ और नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी तुम्हें पाप लगेगा ये सब कह के आगे बोले क्या कि लोग तुम्हारी बहुत दिनों तक निंदा करेंगे इसलिए क्या करो सांख्योग को खत्म कर दिए कि सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ तो जयो तो तुद्ध नामे पापक सुख दुख में सम रहो, क्योंकि ये क्षणिक है आते हैं जाते हैं कर्तव्य करो ये सांख्य योग है राइट right? लेकिन सांख्य योग अर्जुन के लिए तो है नहीं क्योंकि सांख्य योग किसके लिए है जो चौबीस के पार चला गया है जो चौबीस के पार चला गया है उसके तो कर्म की जरूरत ही नहीं है लेकिन अर्जुन तो चौबीस के अंदर है अभी चौबीस के पार तो गया नहीं है इसलिए उसको क्या करना है चौबीस को पार जाने का रास्ता दो है गीता अठारह चैप्टर में पहले छे चैप्टर में कर्म मार्ग बताती है दूसरे छे चैप्टर में भक्ति और तीसरे में ज्ञान मुक्ति ज्ञान से मिलती है और ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन है कर्म और भक्ति समझिए ज्ञान एक किसमें तल पर है एक किसमें तल पर जाने के दो रास्ते हैं एक लिफ्ट से चढ़ जाओ और सीढ़ियों से जाओ भक्ति लिफ्ट है वहां टोटल सरेंडर है वहां क्वेश्चन नहीं है जैसे बच्चा माँ के प्रति टोटल सरेंडर है वो माँ को ही भगवान मान रहा है इसलिए वो जल्दी जल्दी सीखता है आप देखोगे उसकी बुद्धि बड़ी तेज बिखर तरीके से चलती है बारह साल तक देखो तो साइंटिस्ट कहते हैं जितना उसमें सुधार होता है बाद में वो धीरा हो जाता है फिर कम होने लगता है क्यों पूरी श्रद्धा है बालक के अंदर पहला गुरु मां है मां से ही बोलना चलना सब सीखता है क्यों क्योंकि पूरी श्रद्धा है माँ के प्रति श्रद्धा क्या होती है प्रेम और विश्वास प्रेम और विश्वास को जोड़ दो तो उसका नाम है श्रद्धा बालक मां के प्रति अटूट प्रेम है और अटूट श्रद्धा है अटूट विश्वास है जरा भी शंका नाम की चीज नहीं है कि ये मेरी हितकारी है तो जब मनुष्य भक्त बनता है तो उसको बालक बनना पड़ता है जीसस क्राइस्ट ने कहा इफ यू वांट टू मीट मी बिकम अ चाइल्ड बालक क्या है अज्ञानी है क्या कर दिया माँ के प्रति समर्पित है इसलिए उत्थान जल्दी हो रहा है तो अगर आपको उत्थान जल्दी चाहिए तो भक्ति मार्ग है टोटल सरेंडर लेकिन मुश्किल होता है इसलिए दूसरा जो साधारण मार्ग हम लोगों के लिए वो कर्म मार्ग है कर्म तो हमारी जो प्रकृति है जो हमारे संस्कार है जो हमारी महाकारण कारण सूक्ष्म शरीर है वो एक सेकंड हमको बैठने नहीं देगी क्योंकि वो सब वाइब्रेशन निकलेंगे उल्टा आपने किसी को दुख दिया है तो आपको दुख होगा किसी को सुख दिया है तो आपको सुख देगा वैसे वाइब्रेशन अब बनेंगे वो कैसे बनेंगे उसी का नाम कर्म है तो अर्जुन के लिए फिर कर्म मार्ग पर जोड़ दिया कि तुम्हारे लिए ये सांख्य योग नहीं है तुम्हारे लिए कर्म योग है तो मेरे ख्याल से सांख योगनों के समझ में आ गया होगा नक्शल में कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस चौबीस के पार जाना इसलिए हमारे लिए क्या साध्य है भक्ति और कर्म अब कर्मयोग जो है उसको भगवान ने चालीस श्लोक से लेके तिरसठ श्लोक तक वर्ण किया है सेकेंड चैप्टर में बाईस श्लोकों में कर्मयोग का वर्णन किया है और उसका मूल जो श्लोक है चार ही हैं सैतालीस अड़तालीस और बासठ तिरसठ सैतालीस अड़तालीस क्या है कर्मेवाधिकार फलेशु कदाचना, कर्म फल हेतु नाते कर्म कर्मी कर्माणी संगम तत्वा धन सिद्धेश समत्व योगते कर्मयोग क्या है समता है समता में आ जाना कर्म योग है नो न बाय रहो और उस समता का नाम है निष्काम कर्म उसी निष्काम कर्म को यज्ञ भी कहा जाता है क्यों कि यज्ञ क्या है त्यागना आपने त्याग दिया पाप को भी त्याग दिया पुण्य को भी त्याग दिया निष्काम कर्म यज्ञ है अब जो चीज गीता में नहीं है वो गुड़ चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आप कर्म योग भी बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे जैसे मैंने आपको बृहद रूप में शांत योग बताया था उसका वर्णन गीता में नहीं है सूक्ष्म है तो अब बृहद रूप कर्मयोग का बताने जा रहा हूं जिसको समझने के बाद आपके अंदर शक सुविधा कुछ नहीं रह जाएगी कि कैसा कर्म चाहिए करना है निष्काम कर्म होता क्या है तो कर्म की पांच सीढ़ियां हैं। सबसे नीचे वाले कर्म की सीढ़ी क्या है शरीर यापन के लिए आप खाना खाते हैं कर्म है पानी पीते हैं कर्म है मूत्र त्याग करते हैं कर्म है मल त्याग है, करते हैं कर्म है ये सारे कर्म है किस लिए शरीर यात्रा के लिए कर्म क्या है चेंज ऑफ स्टेटस है मैंने आपको कहा जो वाइब्रेशन पैदा करे वही कर्म है और वाइब्रेशन से गति मिलती है स्टेटस बदलता है ये सारी कर्म है सारे ये किसके लिए है शरीर की यात्रा के लिए अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे रोज बीमारी है तो न कुछ समझ में आएगा ना कुछ कर पाओगे इसलिए पहला कर्तव्य क्या है कि इन कर्मों को ऐसे करिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे इसका वर्णन सत्रह चैप्टर में आएगा खाना कैसे खाए सोचे कैसे पिए कैसे सात्विक खाने का वर्णन आएगा सोचने का वर्णन आएगा हाँ, सात्विक शरीर आगे बढ़ाती है तामसिक पीछे खींचती है हाँ, राशिक बीच में रहती है तो ये सारी अलग चीजें अलग विद्या है तो पहला कर्म का लेवल है शरीर यात्रा जब आप शरीर यात्रा से ऊपर उठते हो तो दूसरा कर्म क्या है क्योंकि शरीर तो तामसिक है तमस अहंकार है उसके ऊपर रजस अहंकार से क्या बना है इंद्रियां बनी है ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया और मन ये ग्यारह क्या करते हैं ये शरीर को कंट्रोल करते हैं अब आपको एक उदाहरण देते हैं समझिए एक रथ चल रहा है रथ में चार घोड़े हैं उसमें लगाम है सारथी है और पीछे बैठने वाला है तो रथ के चारों घोड़े इंद्रियां हैं। और जो लगाम है वो मन है मन जो है इंद्रियों को दौड़ाता है दसो इंद्रिया मन के अधीन है वो सारथी है राइट लेकिन मन का मालिक कौन है मन संकल्प विकल्प करता है तो संकल्प विकल्प करके अपने मालिक को बता देता है तो मालिक बुद्धि है वो डिसीजन लेती है अब आपकी सात्विक बुद्धि है कि राजसिक है कि तामसी उसी तरह डिसीजन होगा वो पीछे बैठी है रथ में तो अब आपको क्या करना है पहले आपने तामसिक अहंकार को पुष्ट किया शरीर को स्वस्थ किया अच्छे खाने खाके अच्छे पी के दिनचर्या करके राइट तामसिक भोजन दोगे नष्ट हो जाएगी शराब पियोगे नष्ट हो जाएगी वो अलग सब्जेक्ट है शरीर के बाद जो दूसरा कर्म होता है उसको करते हैं आत्म शुद्ध मन की शुद्धि हाँ अंतकरण की शुद्धि के लिए दूसरा कर्म होता है ये कौन से कर्म होते हैं इनको कहते हैं नित्य कर्म प्रकृति में सारी एंटिटी ये कर्म कर रही है एक्सेप्ट हम तो हमारे लिए कौन से कर्म है यज्ञ दान और तप यज्ञ क्या है निष्काम कर्म जो सृष्टि को चलाने में योगदान देना है तब क्या है उसके करने में जितनी कठिनाई आई उसको सहना उस रास्ते से हटना नहीं आध्यात्म को भौतिक बात के लिए छोड़ न देना यह तप है और दान क्या है दो प्रकृति ज्यादा दे रही है ले रही है कम तुम भी दो ज्यादा लो कम तुम उल्टा करते हो प्रकृति का दोहन कर रहे हो क्या उसके पेट से सारी उसकी चीजें निकाल निकाल के अपना ऐश्वर्य करो तो आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या गुल खिला रही है खिला रही ना क्लाइमेट चेंज हा? एक आर्टिकल में खुंगर जी ने लिख दिया था कि भगवान ने हमारे लिए बनाया है ये गलत है तुम्हारे लिए नहीं बनाया तुम्हारे लिए कर्म मार्ग बनाया है सांख्य मार्ग बनाया है इसको रखो क्या है कम लो ज्यादा दो तुम क्या कर रहे हो ले ज्यादा रहो दे कम रहो और प्रकृति की ऐसी की तैसी बना रहे हो तुमने सारे उत्सर्जन करके और सारे ब्रह्मांड को खत्म कर दिया जो ब्रह्म है वायु तो ब्रह्म ही है ना पानी तो ब्रह्म ही है ना तुमने पानी गंदा कर दी वायु गंदा कर दी और कह रहे हो कि भगवान हमारे ऐश्वर्य के लिए बनाया ये तो उल्टी बात है ना उल्टी सोच है ये बिल्कुल अब आप लोग तो सब इंडस्ट्री में रहे हो होता ही है पोल्यूशन कि नहीं होता है नहीं आपको बता दें मैंने हर जगह पोल्यूशन को कम्बैट किया हजार करोड़ रुपया लगा करके चाहे वो सिंदरी हो चाहे क्रिपको सूरत हो चाहे शाहजहांपुर हो चाहे अब मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं उसमें मैंने रूल बना दिया हांगकांग की कंपनी कि आप हर बोर्ड में लाओगे नाम क्या है और आप क्या कर रहे हो हवा के नाम क्या है आप कैसी हवा पैदा कर रहे हो पानी के नाम क्या है आप क्या कर रहे हो नहीं तो मैं निकल जाऊंगा मैं नहीं रहूंगा वो आता है और उसके लिए पैसा खर्च करवाया कंपनी से हमने कहा तुम खर्च करो देखो क्या होता है एक साल में कंपनी दौड़ने लगी हमने कहा देखा इसको कहते हैं आध्यात्म ये कंपनी सिख हो गई थी बिक गई तुमने खरीदा वैसे ही चलाते तो ये और खत्म हो जाती हमने तुमको अच्छी तरह से चलाना सिखाया अब देखो ये कहा जा रही है क्यों तुमने भगवान की पूजा की है जो भी एक्टिविटी हो रही है भगवान की पूजा है भगवान कहते हैं, तुम अपने कर्तव्यों से मेरी पूजा करते हो अपने अपने कर्तव्यों से कर्तव्य करो वही मेरी पूजा है और कोई मेरी पूजा नहीं है तो दूसरे लेवल का जो कर्म है आत्मशुद्धि के लिए है आत्मशुद्धि क्या है यज्ञ दान और तप ये पवित्रता को भी पवित्र करती है मुनियों को ऋषियों को भी पवित्र करती है तो ये सीखो अपने जिंदगी में देना सीखो केवल लेना सीखे हो देना सीखे ही नहीं हो कष्ट सहना सीखे ही नहीं हो जरा कष्ट हुआ कष्ट क्यों हो गया भाई अरे कष्ट क्या है कष्ट से तुम्हारी शुद्धता बढ़ती है जब तक तुम सोने को जलाओगे नहीं शुद्ध नहीं होगा जब तक तुम तपोगे नहीं शुद्ध नहीं होगे, तपाना पड़ता है अपने को कैसे कैसे तपाना पड़ता है धर्म के रास्ते पर चलते अधर्म के रास्ते को छोड़कर बड़ी कठिनाई होती है संसार कठिनाई कठिनाई पैदा करेगा उसको सहना है वही तो भगवान ने कहा सुख दुख के समय लाभ लाब हो किता तो तो लाभाल सहो इसको भागो मत इससे शुद्धि, शरीर के कर्मों के बाद ये दूसरे लेवल के कर्म जो है शुद्धि के लिए किए जाते हैं अब इसे और ऊपर उठिए शुद्धि हो गई तो क्या हो गया आप एक अलाइनमेंट में आ गए शरीर और मन एक अलाइनमेंट में है तो अब आप क्या करोगे शरीर और मन एक अलाइनमेंट में हो गए तो आप रति की स्टेज में आ जाओगे हमने आपको कहा ब्रह्मांड क्या रती है रति है रति क्या है हारमोनियस है कि पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कोई अलग नहीं है और एक साथ गतिमान है ट्वेंटी पर सेकेंड आप उसके हिस्से बन गए इस कर्म को कहते हैं यज्ञ अर्थ कर्म इसका वर्णन तीसरे चैप्टर में आएगा इसका डिटेल आएगा तो आप तीसरा जो कर्म करने लगो यज्ञ कर्म होने लगा वो कौन सा सृष्टि में आप पाठ बन गए जैसे आम का पेड़ सृष्टि का पाठ है अमृत का पेड़ पाठ नदियां पाठ फिर और आप उठे चौथे स्टेज में यज्ञ के बाद तब आपकी ऐसी आदत बन गई कि आपसे पाप होता ही नहीं है तो आप क्या कर्म कर रहे हो भगवान को सारे कर्म अर्पित कर रहे हो ईश्वर अर्पण कर्म होने लगता है कि जो कुछ करेंगे ईश्वर के लिए करेंगे क्योंकि आपकी बुद्धि निर्मल हो गई आपका मन निर्मल हो गया आपने तामसिक शरीर को पार कर दिया आपने सूक्ष्म शरीर को भी पार कर लिया आप कारण शरीर को भी पार कर लिए पहुंचे हुए हो आपकी यात्रा कहां हो रही नीचे गिरे थे ऊपर जा रहे हो ब्रह्म से आए थे उसकी तरफ आपकी यात्रा हो रही लेकिन अभी भी दो हैं हम है और ब्रह्म है चौथे लेवल के कर्म में द्वैत है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं अपने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं उसी का नाम जप रहे हैं गुरु नानक ने कहा ना नाम जब कीर्ति कर लंगर चक इन ही चीज तो की और मत कर तो आप क्या करो ईश्वर के लिए कर्म करो ईश्वर के नजदीक आने से क्या होगा ईश्वर के गुण आप में आ गए जब आप आग के नजदीक जाते हो तो आग की गर्मी आपको लगती है आपसे दूर जाते हो तो आग की गर्मी नहीं रहेगी तो जिस चीज के नजदीक जाओगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो जितनी आत्मा परमात्मा के नजदीक जाएगी आत्मा परमात्मा के गुणों से ओत प्रोत होने लगेगी तो आप कहाँ पहुंच गए हैं आत्मा जो है परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच गई है इसलिए जो भी कर्म कर रही है अपने मालिक के लिए कर्म कर रही है ये करते करते और इस बीच में क्या इस यात्रा में क्या हुआ आपके कर्म छीन हो रहे हैं जितने आपके संस्कार थे संचित प्रारब्ध सब हो रहे हैं उसे आपका कोई लेना देना नहीं क्योंकि उनमें आप हो ही नहीं तो वो तो हो रहे हैं हो के निकल रहे हैं आपका खाली हो रहा है सब मामला आप आखिरी श्रेणी में जब पहुंचे तो इधर भी सब खाली हो गया और आपने देखा कि हम तो परमात्मा जब आग में कूद जाते हो तो अब आग ही बन जाते हो तो जब आत्मा में आत्मा आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर गई तो परमात्मा ही बन गई दो नहीं अब एक रह गए कहते हैं अद्वैत बाद शंकराचार्य की अद्वैत थ्योरी यही है तो जब आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर जाती है तो वो सांख्य मुनि हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं बुद्ध बन जाते हैं भगवान बुद्ध ने कहा इतने सारे जन्म लिए सब खत्म हो गया अब जन्म लेने की सामग्री ही खत्म हो गई तो ये आखिरी स्टेज है अद्वैत स्टेज जब आपका कर्म ऐसा हुआ कि आप परमात्मा में मर्ज कर गए तो ये कैसे आप चढ़े या आप कर्म के माध्यम से चढ़ें कर्मयोग से तो कर्मयोग के चार ही श्लोक इंपॉर्टेंट है कर्म करते समय इच्छा नहीं होनी चाहिए कर्मरेवाधिकार से माफले शु कथा रचना कामना नहीं होनी चाहिए और कर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए क्या है फिर कर्म क्यों हो रहा है भाई कौन सा कर्म हो रहा है और रति वाला कर्म हो रहा है हारमोनी विथ यूनिवर्स हमारा कर्म यूनिवर्स के साथ इंटीग्रेट हो गया है हमारे लिए नहीं है यूनिवर्स के लिए है तो कर्मड़े विकार कदाचन माँ फलेश कदाचना माँ कर्म हेतुता नाते कर्म अकर्मणी फल के लिए कर्म मत करो और अकर्म में भी मत जाओ कामना भी मत रखो तो कैसे करो योगस्था कुर कर्मानी संगम ये योग में स्थित क्या है आत्मा को परमात्मा में स्थित करके कर्म करो समत्वम समता का नाम योग है लेकिन ये बड़ा मुश्किल है क्यों मुश्किल है तो उन्होंने बताया अर्जुन इतना आसान नहीं मैंने कह दिया तू कर नहीं पाएगा ही। तो बोला क्यों तो सिक्सटी और सिक्सटी थ्री श्लोक में बताते हैं ध्यान अनुपुंसूप जाए ते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजाते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति भम इसम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति इन दो श्लोकों में बता दिया भगवान कितना कठिन है कैसे तो विषयान पुनष ये इंद्रिया चौबीस घंटे दौड़ रही है अपने विषयों के पीछे आंख देखने के लिए दौड़ रही है कान सुनने के लिए दौड़ रहा है स्वाद के लिए दौड़ रही है नाक गंध के लिए दौड़ रही है हाथ स्पर्श के लिए दौड़ रहा है चौबीस घंटे दौड़ रही है ध्यान संगसते सुपजायते अपने अपने विषयों से दोस्ती कर लेती है और दिखाओ और सुनाओ और खिलाओ और और दोस्ती हो जाती है तो कामना उत्पत्ति होती है ध्यान पुनस पुंस ते सुप जायते संगात सुप जायते कामा कामना कि दिखाओ जो पहले दिखाया था अच्छा वाला कामना की पूर्ति नहीं होने से क्या होता है क्रोध होता है समझाए थे कामा कामा क्रोधों अभिजाए थे कामना की पूर्ति ना होने से क्रोध पैदा होता है क्रोध का मतलब क्या है अग्नि वेरी हेवी वाइब्रेशन इतना जबरदस्त वाइब्रेशन की सब डिस्टर्ब हो गया सिस्टम इंबैलेंस हो गया पूरा आप पांचों तत्व बैलेंस थे एक क्रोध आके इंबैलेंस कर दिया अग्नि तत्व को बढ़ा दिया शोक और मोह में और कामना की न पूर्ति में क्या होता है क्रोध में आप नाचने लगते हैं हाथ कांपने लगता है मुंह सूख जाता है क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ गया है जल तत्व को खा गया उसके बाद जल तो कहता तू तो कैसे खा सकता है वो आंखों से पानी भेजता है आंसू निकलने लगते हैं होता है कि नहीं फिर तथा जो है जलने लगती है अग्नि को निकालने के लिए बाहर निकल रोए खड़े हो जाते हैं यही हालत तो अर्जुन की है शोक में संजाय थे काम कामात क्रोधो हो जात क्रोधात बहुत सम्मो सम्मोहन हो जाता है इन क्या होता है इन होता है एक लड़का एक लड़की के पीछे फिदा हो गया वो जान देने के लिए तैयार है लोक ला सब छोड़ दिया राइट? Right? तो अब ये सम्मोहन हो गया है सम्मोहन से क्या है क्रोधाध समोह समोह स्मृति बम यादगार खत्म हो गई चित्त जो है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक फ्रिक्वेंसी पर काम करता है वो फ्रीक्वेंसी बदल गई हर फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करेगा चित्त के दो पार्ट है एक मेमोरी पार्ट एक एक नॉन मेमोरी पार्ट एक बहुत ही नीचे दबा हुआ है गहरी अनकॉन्शियस लेयर में एक सबकॉन्शियस लेयर में उसको माइंड जो बुला लेता है वो मेमोरी है बुद्धि तो ये वाइब्रेशन से सब नष्ट हो गया मेमोरी काम नहीं कर रही है मेमोरी काम नहीं करेगी तो बुद्धि को चाहिए क्या मेमोरी माइंड और अपनी तीनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं बुद्धि डिसीजन लेना बंद कर दी तो आप क्या हो गए आप गिर गए तो संगस्ते शुप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात बहुत ही सम्मोह संभव स्मृति भम स्मृत भम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्चति आपका नाश हो गया तो भगवान कहता है इससे सतर्क रहो इसलिए कहा सिखाया कि कर्म मार्ग में आगे बढ़ो धीरे धीरे जल्दी जल्दी मत करो फिर बोला ये होते क्यों हैं ये काम क्रोध लोभ क्यों होता है हा? और जो इनसे दूर जाता है उसकी क्या स्थिति होती है वो कैसे चलता है कैसे बोलता है कैसे उठता है कैसे बैठता है स्थित प्रज्ञा क्या भाषा किम अशीत किम बदलती सेकेंड चैप्टर के एंड में ये पूछता है तो भगवान कहते हैं वो सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करके बश में करके किसी चीज का संग्रह नहीं करता है और अहमता ममता को त्याग करके स्वतंत्र विचरण करता है इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं इसको ब्राह्मी स्थिति इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म में चला गया हो चौबीस के पार। तो ये अध्याय खत्म होता है ब्राह्मी स्थिति से भगवान कहते हो ब्राह्मी स्थिति है तो तीसरा शुरू होगा कि ब्राह्मी स्थिति आपने बताया कि ज्ञान ही सब चीज है तो मोरे को घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो फिर वहीं पर आ गया हो तो तीसरे अध्याय में कर्म की पूरी व्याख्या करेंगे और मेरे ख्याल से टाइम हो गया है सवा आठ बज गया राइट तो प्रविश नगर की जय सबका हृदय राखी कौशल रेन सिंधु राम कृपा कर जय श्री राम दो मिनट में आता हूं मैं तब तक आप लोग सोचिए हेलो अरविंद जी मेरी आवाज आ रही है हाँ। अभी मैं जिनको प्रश्न पूछने हैं वो अपने हाथ उठा सकते हैं हम लोग देख लेंगे एक एक करके पूछ लेंगे ज्यादा समय हमारे पास नहीं है अगर नहीं भी जिनकी, जिनका जिनके जिनका सर जिनके प्रश्न यहाँ पे उत्तर नहीं हो सकते तो जैसे कि राय साहब ने अभी पिछले टाइम समय पे जो प्रश्न पूछे गए और जो साइट पे लिखे गए उनके जवाब दिए तो वहां पे लिख भी सकते हैं उसके जिसमें कि हम बाद में जवाब दे सके तो इससे अभी अगर कोई प्रश्न पुछ पूछना चाहता है तो बताइए एनी

ओके भैया प्लीज ठीक हो गया अरे पुंदर जी ठीक हो गया मैं कह रहा हूँ ठीक हो गया आप खत्म हो गया अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न है कि आपने कहा संचित कर्म अनिटलाइज नहीं होते मैं ये आपका विवेक का चुनाव मनी का फोर जिसमें लिखा है समाधिनान और समस्त वासना मैं एक सेकंड मेरे को सुन लो मैं नहीं पढ़ाऊं ना मैं जानता हूं मैं एक इंजीनियर साइंटिस्ट और एक आदमी जो अध्यात्म में घुसा है अपने दिमाग को लेके मैंने आपको क्या बताया कर्म वो है जो वाइब्रेशन से होता है वाइब्रेशन होता है, है। मिटाया नहीं जा सकता एक भाईब्रेशन 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 से होते उसको पुण्य कहते हैं एक वाइब्रेशन पाप कहते हैं एक वाइब्रेशन लो होता है कर्म वाइब्रेशन से होते हैं वो एक वाइब्रेशन दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा वो दूसरा वाइब्रेशन दे करके उसके इफेक्ट को खत्म कर सकता है उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा उसके नहीं होता, हो, जैसे ने था।, था कि चीनी डाल के तुम खटास को कर सकते हो। तो वो दूसरा कर्म हो गया, लेकिन न्यूट्रलाइज हो तो नहीं होगा उसके ऊपर दूसरा जो उसका इफेक्ट खत्म करेगा अलग से बात करना जो नहीं समझाने की बात है अब जो ये पब्लिक में इसको मत मेरी आपसे प्रार्थना है कि आ, ये बड़ा गुड सब्जेक्ट है जिसपे आप बात कर रहे हैं ये आप इसको हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे और किसी ने कुछ कहना है नेक्स्ट टाइम नहीं वन टू वन बात करेंगे हाँ ठीक है इसको हम लिख देंगे इसको हम लिख देंगे कोई बात नहीं वन टू वन आप आप, आप तो आप, भाई इंडिया में आप कभी भी टेलीफोन मिला के हमसे बात कर सकते हैं जी तीसरा जो आपने दो प्रश्न कर लिए मेरे ख्याल से कोई बात समय हुआ तो लेंगे प्लीज धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद खुंगर साहब काफी ज्ञान इनके पास बहुत है तो और बहुत सारी चीजें हुई है